नागिन बचाओ, नहीं नहीं बचाओ। अरे ओ, क्या दिखाना चाहती हो? डार्लिंग, मुझे इंडियन कल्चर, इंडियन कॉस्ट्यूम्स और हिंदुस्तानी म्यूजिक बहुत पसंद आने लगे। अच्छा, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? होश में आओ। कहाँ है साहब? बोले तुम बंदूक लेके आ, तुम अंदर जाके देख। घबराओ मत बेटी, घबराओ मत। क्या हुआ रूप? वहाँ सांप है। तुम हमको छोड़ के कहाँ चले गए थे? मैं वही बरामदे में था बाहर। हाँ बाबूजी, ये इंडिया है रूप, यहाँ बहुत सारा नाग है, बीन का आवाज सुन के आ गया होगा। Oh my God, अब हम बीन वाला म्यूजिक कभी नहीं सुनेंगे। भागो भागो, खोद डालो चप्पा चप्पा, सांपों के हर ठिकानों को खोद डालो। वो दोनों शहर में नहीं मिले, कस्बे में नहीं मिले, गांव में नहीं मिले, इसलिए इस जंगल में नाग बनकर छुपे हुए हैं। मुझे किसी भी हालत में वो इच्छाधारी नाग का जोड़ा चाहिए। खोदो। कमल डार्लिंग, तुम यहाँ बैठे रहे हो और मैं तुम्हें ऊपर देख रही थी। अरे क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। चलो उठो, मुझे शॉपिंग करने जाना है। नहीं, तुम अकेली चली जाओ, मेरा मूड नहीं है। व्हाट आंटी? क्या बात है बेटी? आंटी मुझे शॉपिंग कुछ खरीदने जाना है। कमल को साथ चलने को कहा पर ये चल नहीं रहा है। कैसे नहीं जाएगा? माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तब तो तुझे जरूर बाहर जाना चाहिए। बाहर घूमकर आएगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी। करेक्ट आंटी। देख बेटे, ये तैयार खड़ी है। अरे चल उठ, तू जाता है कि नहीं? किसके सामने तेरे कान पकड़ो? जरूर पकड़िए, बड़ा मजा आएगा। ऐसे गुस्से से क्या देख रहे हो? जल्दी चलो वरना तुम्हारे कान की खैरियत नहीं। कमल, रूप तुझे कितने प्यार से ले जाना चाहती है बेटे। चलो उठो बेटे, जिद नहीं करते। हे भगवान, किस बला से पाला पड़ा है। क्या? नहीं कुछ नहीं, चलिए। तो नहीं लगी? नहीं, उस गाड़ी को रोको, उसका पीछा करो, उसे रोको। क्या बात है बहन? उसमें मेरा नागेश है, मेरे नागेश उस गाड़ी में है। वो गाड़ी तो देवगढ़ के सेठ गिरधारी लाल के साहबजादे की है। देवगढ़ के सेठ गिरधारी लाल?
पर बस राम सुमंत पठाए रामा हो रामा। अरे अरे ये लगाम घोड़ी की तरह कुदाती कहाँ घुसी जाता दबा के। हमें छोटे सरकार से मिलना है भैया जी। भैया जी का तेल लेने छोटे सरकार आई भी गैरी नथु खैरी से ना ही मिलत दबा के। मैं कोई ऐरी गैरी नहीं हूँ, वो मुझे पहचानते हैं। पहचाने ते तो कहा रात की ही बखत बुलाई है। अरे इज्जत कबाड़ा करो चाहत ससुरी, हमार छोटे सरकार गलत लेन का नहीं है। भाग जा। मैं अंदर जाऊंगी। अरे चिटिया काट के फेंक दे, हमारा राम प्रसाद चौबे है, जाके बता। जाके रहूंगी, तेरा बाप भी नहीं रोक सकता। अरे ये ससुरी ये तो चढ़ा चढ़ा तो मेरे बाप तक चढ़ गई। चले यहाँ पागल है ससुरी, रात का कोठी में जाएगा, चली जाना ही था। इतनी जल्दी कहाँ चली गई? कमाल की बात है, कहीं दिखाई नहीं पड़त। हार में छका ससुरी खो गई थी मोहिनी, कहाँ खो गई थी? मैं तुम्हारे लिए एक एक पल तड़पा हूं। मेरा भी कोई पल ऐसा नहीं गुजरा जब मेरा दिल तुम्हारी याद में ना तड़पा हो। ऐसा लगता है कि कई जन्मों के बाद इतनी खुशी मिली है। अब मैं तुम्हें एक पल भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। नागेश, चलो नागेश हम इसी वक्त यहां से चले। हाय मोहिनी, मैं अभी यहां से नहीं जा सकता। नहीं जा सकते? क्यों? मैं वचन दे चुका हूं मोहिनी, प्यार और स्नेह के कच्चे धागों से इस घर के लोगों ने मुझे इस तरह से बांध लिया है मोहिनी, कि मैं यहां से तब तक नहीं जा सकता जब तक इनका अपना बेटा इन्हें नहीं मिल जाता।
इनका अपना बेटा इन्हें नहीं मिल जाता? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर मामला क्या है? बताता हूं। उस दिन मेले में बिछड़ने के बाद ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकती। हर हाल में तुम्हारे साथ ही रहूंगी। कमल दरवाजा खोलो, कमल कमल दरवाजा खोलो, कौन है अंदर? कमल क्या हुआ बेटी, बुरा सपना देखा क्या? नहीं अंकल जी, कमल के कमरे में लड़की है। लड़की? हाँ। कमल के कमरे में और इस वक्त? कमल कमल दरवाजा खोलो, कमल कमल। क्या हुआ बाबूजी? अरे अंदर कोई लड़की नहीं है। नहीं नहीं अंकल जी, मैंने आवाज सुनी। आवाज सुनी थी? अरे मैं रेडियो पे ड्रामा सुन रहा था, वो सुना होगा तुमने। तुम तो बहुत शक्की हो बेटी। हाँ बाबूजी, इतनी रात गए, कोई लड़की कैसे अंदर आ सकती है? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ बाबूजी। हाँ। बाबूजी, ये क्या कर रहे थे आप? सांप को मारना पाप होता है।